और मस्जिद में अजान दे। बाबा भारती के बेटे हैं ये हिंदू और मुसलमान, एक हाथ गीता और एक भारती के बेटे हैं ये हिंदू और मुसलमान। अच्छा वाह वाह वाह, एक में कुरान दे। भारती के बेटे हैं ये हिंदू और मुसलमान, एक हाथ गीता और एक में कुरान दे। और अगला क्षण पढ़ना चाहता हूँ, जो इधर मेरे बहुत सारे नौजवान मित्र बैठे हैं, थोड़ा सा बस ये छंदों का दो तीन छंद पढ़ने के बाद सीधे सीधे गजल और गीत की ओर चलता हूँ। ये जागो जागो नौजवानों, जागने का वक्त है, ये जागे नहीं तुम तो ये देश बिक जाएगा। वाह, ये जागो जागो नौजवानों, जागने का वक्त है, ये जागे नहीं तुम तो ये देश बिक जाएगा। नाचते ही रहे तुम डिस्को की धुन में, तुम्हारा भारती का शुभ्र वेश बिक जाएगा। नाचते ही रहे तुम डिस्को की धुन में, तुम्हारा भारती का शुभ्र वेश बिक जाएगा। और मासो और मदिरा को त्यागा नहीं तुमने तो बापू का अहिंसा संदेश बिक जाएगा। और पश्चिमी हवा के संग बहते ही जाओगे तो चांद चंद्रिका का परी। जागो जागो नौजवानों को त्यागा नहीं तुमने तो बापू का अहिंसा संदेश बिक जाएगा। और पश्चिमी हवा के संग बहते ही जाओगे तो चांद चंद्रिका का परिवेश बिक जाएगा। पश्चिमी हवा के संग बहते ही जाओगे तो। और चार पंक्तियां थोड़ा सा सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। इधर माताशक्ति की उपस्थिति है, माताशक्ति को नमन करता हूँ और महारानी लक्ष्मीबाई की धरती से आया हूँ, इसलिए चार पंक्तियां पढ़ने की कोशिश। जुड़िएगा, इधर से आशीष मांगता हूँ माताओं से। शोभनम वाह। और इसलिए भी पढ़ना चाहता हूँ दोस्तों कि इस हिंदुस्तान में जब जब कोई संकट आता है तो कभी कोई रानी लक्ष्मीबाई बन के आगे आती है, कभी कोई अहिल्याबाई बन के आती है, तो कभी कोई अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर करने आ जाता है। और सबसे रिसेंट घटना अगर हम देखें तो 2016 के ओलंपिक में जब 130 करोड़ वाला यह देश सर झुका के लौटने वाला था, तब कहीं से दो बेटियां निकल के आई, संधू और साक्षी। अच्छा, दो तकलीफ लेकर आई, 130 करोड़ लोगों का सर ऊंचा हो गया पकड़ते। तब मैं बेटियों को नमन करते हुए इधर समर्पित कर रहा हूँ इस मोहल्ले को, आप काशी चाहता हूँ कि सारा विश्व ही प्रणाम करता है, आठो या वो वीरता और शौर्य की निशानी बन जाए। सारा विश्व ही प्रणाम करता है, आठो या वो वीरता और शौर्य की निशानी बन जाएगी। शत्रुओं के सोनित से सींच देगी रणभूमि, वक्त पड़ने पे वो भवानी बन जाएगी। प्रेम त्याग ममता की बात जो चलेगी, कभी सुन मीरा तुलसी की वाणी बन जाएगी। और एक बार फिर मित्र राष्ट्र अस्मिता के लिए, एक बार फिर मित्र नारी शक्ति झांसी वाली रानी बन जाएगी। बहुत अच्छा। डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी कभी कहते थे कि मंच से छंद विलुप्त होते जा रहे हैं, तो निश्चित ही अर्जुन सिंह चांद जी इस कवि को पूरी कर रहे हैं और छंदों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और दो छंद पढ़ना चाहता हूँ, ये दो छंद भी मेरी पीड़ा के छंद है। आज 25 दिसंबर की पंक्ति पर आपका आशीष चाहता हूँ। नया साल कहते भले ही रहे, बदली बिसात पर रोटियां वही रही, और सिर्फ एक कैलेंडर बदला है मित्र, यहाँ सोचिए दीवार और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबसे जुड़ने के लिए। छंदों के क्रम को मैंने पढ़ा, एक छंद और मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद सीधे सीधे गजल। गजल का विद्यार्थी हूँ और जिन रचनाओं की बात आदरणीय तिवारी जी ने मेरी मुझे बुलाने में के लिए कहा था, वहां तक लेके चलता हूँ, सुनिएगा क्या कहने। एक छंद पढ़ना चाहता हूँ, भगवान राम का भी परम शुद्ध परम हंसी बैठे थे, मन था कि उनके सामने एक छंद को पढ़ूंगा, मगर वहां तक पहुंचाइएगा पांडे जी। जी जी जी, भगवान राम पर एक छंद पढ़ना चाहता हूँ, चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, आप सबका साथ चाहता हूँ। कि ज्यों ही मुसीबत आई किसी पर, त्यों ही तुम्हारा ही नाम लिखा दे। अच्छा वाह 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 वाह। ज्यों ही मुसीबत आई किसी पर, त्यों ही तुम्हारा ही नाम लिखा है। पूरन काम हुए जिसने तब नाम सदा निष्काम लिखा है। वाह वाह वाह। राधा ने श्याम तो मीरा ने मोहन, राधा ने श्याम तो मीरा ने मोहन, सूर ने भी घन श्याम लिखा है। और गीध रट्यो शबरी ने जप्यो तुलसी ने ही
विश्राम लिखा है, तुलसी नहीं है विश्राम लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सीधे सीधे गजलों की ओर चलता हूँ। गजल बहुत अच्छा, वाह। और सीधे वहां से शुरू करता हूँ जिस गजल को, जिस गजल ने मुझे इस छोटे कलम, आइए बताइए। एक बार थोड़ा सा मुझे एहसास करा दें, आप लोग खामोशी। तो मैं कहना ये चाह रहा था डॉक्टर साहब कि ये गजल जिनके लिए लिखी गई थी, करता हूँ और ये बता दें, मुझे पढ़ना चाहता हूँ कि जब ये शेर पढ़ रहा था तो सैफई महोत्सव में माइक का तार काट दिया गया था, शेर से दिएगा। अच्छा, सूरज की तपन तुम से बर्दाश्त नहीं होती, सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार को। बड़ी लंबी गजल है, मेरा गला कुछ गड़बड़ है। वाह वाह वाह। मैं इसी से जुड़ी हुई एक रचना और पढ़ के आपसे विदा लेता हूं। अच्छा, वाह वाह। और ये गजल, इसी गजल के बाद इस गजल का प्रादुर्भाव इस तरह हुआ तिवारी जी, जी। 29 जुलाई को एक डिबेट आ रही थी आर भारत चैनल पर, किसी नेता ने मेरी इन पंक्तियों को कोट किया। अमर उजाला में मेरे बहुत बड़े सीनियर मेरे सहकर्मी थे, उन्होंने मुझे फोन किया, चांद भाई तुम अखबार के होते हुए तुमने अखबार के लिए तो बहुत कुछ लिख दिया, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा। वाह वाह वाह। ये जो चैनल कर रहे हैं आजकल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रही है, इस पे तुम्हारी नजर नहीं गई? मैंने कहा भाई साहब गई तो है मगर अभी कुछ लिखा नहीं है। बोले अगर तुम कभी हो तो आज रात में ही लिखो। आदरणीय डॉक्टर साहब, वो चुनौती मैंने स्वीकार की और रात में 2:30 बजे ये गजल हुई है, टूटी फूटी आप सबके सामने रखता हूँ। अच्छा, कवि जो देखता है वो लिखता है और जो इस समय मीडिया कर रही है वो हमारे आपके सबके सामने है, पढ़ता हूँ सुनिएगा। स्वागत। सच के ठेकेदार खबरिया चैनल है। वाह। सच के ठेकेदार खबरिया चैनल है, सच के ठेकेदार खबरिया चैनल है, बहुत बड़े फनकार खबरिया चैनल है, बहुत बड़े फनकार खबरिया चैनल है। करते क्या है कि द्वेष घृणा का जहर खोलते रहते हैं। अच्छा, हकीकत अगर बयान कर रहा हूँ तो एक एक व्यक्ति मुझे आशीष देना कि द्वेष घृणा का जहर घोलते रहते हैं, द्वेष घृणा का जहर घोलते रहते हैं, नफरत का बाजार खबरिया चैनल है, नफरत का बाजार खबरिया चैनल है, नफरत का बाजार खबरिया चैनल है, सच को झूठ बताने में ये माहिर है।